Start with the name of Allah, who is the most merciful and gracious. Assalamu alaikum, dear students. Hope you will be fine. I'm your English teacher, Miss Samreen. Today I will teach you English of class 2. जैसा कि आप लोगों को पता है, this is our first lesson and lecture number 5. Hope आप लोगों ने पिछले जो lectures हैं वो आप लोगों ने देखे होंगे और आप लोग समझ गए होंगे. अच्छा स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 4. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज फॉर पेज नंबर 4. लुक एट हियर पेज नंबर 4. नाउ अब यहाँ पर हमारे पास है, लुक एट द पिक्चर्स. पिक्चर्स तस्वीरें. लुक देखना कि आप लोग इन तस्वीरों की तरफ देखें. से टिक एंड राइट द करेक्ट लेटर कि आप लोगों ने हमारे पास टिक का निशान लगाना है और दूसरा क्या करना है, करेक्ट लेटर लिखना है. कौन सा लेटर करेक्ट, जो सही है हमारे पास. फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ये देखें यहाँ पर ये सारे ऑप्शन हैं. फॉर द इनिशियल साउंड ऑफ द वर्ड, जिससे हमारे पास ये अल्फाबेट या जो पिक्चर है जिससे स्टार्ट होता है, तो उसका इनिशियल साउंड जो है वो हम लोगों ने लिखना है. अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट है, ये फर्स्ट पिक्चर है. यहाँ पर इसके ऑप्शन में है ए, सी और डी. यहाँ पर ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, देखें ये हमारे पास है एरोप्लेन. क्या है, एरोप्लेन. तो यहाँ पर आप लोगों ने पहले ये जो यहाँ पर ए है इसके ऊपर आप लोगों ने टिक का निशान लगाना है इस तरह, और यहाँ पर जो है यहाँ पर इस ब्लैंक में आप लोगों ने लिखना है ए. शाबाश लिखे ए, यहाँ पर सब लिखे ए. वेरी गुड. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर दूसरे पिक्चर की तरफ देखें, ये हमारे पास यहाँ पर जो साउंड दिए गए हैं, जो अल्फाबेट्स है वो है ई, एन और एस. ई, एन, एस. अब हमारे पास ये क्या है, ये है नेस्ट, जिसे घोंसला कहा जाता है, जिसमें परिंदे रहते हैं, ये है नेस्ट. तो यहाँ पर आप लोगों ने एन को क्या करना है, मार्क करना है, और यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है एन. क्या करना है, लिखे एन. शाबाश. ओके, यहाँ पर हमारे पास थर्ड पिक्चर में है, ये क्या है, अभी हमारे पास जो साउंड दिए गए हैं उसमें फर्स्ट हमारे पास लेटर है आर, एफ, ओ. आर, एफ, ओ, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, रैबिट. वेरी गुड. तो इसका हमारे पास जो स्टार्टअप साउंड है वो किससे आएगा, आर से. यहाँ पे टिक का निशान लगाए, आप लोग के पास पेंसिल्स होने चाहिए, और यहाँ पर आप लोग लिखे आर. शाबाश, लिखे आर स्टूडेंट्स. ओके, लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर. यहाँ पर साउंड है एच, टी, एल. एच, टी, एल, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है लाइट. क्या है, लाइट. तो यहाँ पर आप लोग लिखे एल. क्या लिखेंगे आप लोग, एल. वेरी गुड. नेक्स्ट है डी, वी, एक्स. डी, वी, एक्स, ये क्या है स्टूडेंट्स, दिस इज डियर. क्या है, डियर. डियर कहते हैं हिरण को. तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डी. आप लोग भी मेरे साथ लिखते जाए, यहाँ पर लिखे डी. वेरी गुड, शाबाश. ओके, यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट है ए, आई, पी. ए, आई, पी, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है इंक. क्या है, इंक. यहाँ पर आप लोग ब्लैंक में लिखे आई. क्या लिखेंगे, आई. तो ये बन गया इंक. ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास ये है. तो नेक्स्ट हमारे पास आप लोग देखें, इसमें यहाँ पर है क्यू, एफ, टी. क्यू, एफ, टी, ये क्या है स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों ने देखी कभी, ये है फ्लावर. क्या, फ्लावर, जिसे फूल कहते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास ब्लैंक में क्या आएगा स्टूडेंट्स, ब्लैंक में आएगा एफ. शाबाश, एफ लिखे. ओके, नेक्स्ट के, वाई,
H, K Y H, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है हाउस, हाउस। तो हमारे पास यहाँ पर ब्लैंक में क्या आएगा, यहाँ पर आएगा H, शाबाश। तो ये हाउस किसे कहते हैं, हाउस कहते हैं घर को जिसमें हम सब रहते हैं। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट की तरफ देखें, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है बी जे डी, बी जे डी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है जीप, क्या है जीप। तो यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है जे, वेरी गुड। तो ये हम लोगों का ये जो पेज नंबर 4 था ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों ने खोलना है अपना नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 5। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास है लुक एट द पिक्चर एंड से लेटर्स फ्रॉम द इनिशियल साउंड ऑफ द वर्ड। तो ये हमारे पास हम लोगों ने स्टार्टअप वर्ड्स लिखने हैं, और ये जो दूसरे पेज पर है ये हमारे पास है एंडिंग वर्ड्स। ओके, तो अब हम इस वीडियो में पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सी एच साउंड, एस एच साउंड और टी एच साउंड जो है वो हम कैसे सीखेंगे। ओके, सबसे पहले ये बताइए इस तस्वीर में क्या बना है, यह है एक टॉर्च, टॉर्च। अब आप गौर से सुनकर बताइए टॉर्च के लफ्ज के आखिर में क्या आवाज है, टॉर्च, यह है च की आवाज, बिल्कुल ठीक। और ये आवाज किन दो लेटर से मिलकर बनती है, लेटर सी और लेटर एच। सी एच क्या बनता है, च, बिल्कुल सही। अब इस तस्वीर में देखिए ये क्या है, यह है एक बेंच, बेंच। अब आप गौर से सुनकर बताइए बेंच के लफ्ज के आखिर में क्या आवाज है, बेंच, यह है च की आवाज, बिल्कुल सही। और ये आवाज किन दो लेटर से मिलकर बनती है, लेटर सी और लेटर एच, इसलिए बेंच के लफ्ज के आखिर में आता है लेटर सी और लेटर एच। तो पहली तस्वीर में क्या बना था, एक टॉर्च, टॉर्च को जलाने से रोशनी होती है, टॉर्च हमें अंधेरे में चीजों को तलाश करने में और रास्ते को तलाश करने में मदद देती है। अब इस तस्वीर में देखिए ये क्या है, यह है एक बेंच, बेंच बैठने के काम आता है। तो ये थी च की आवाज की पहचान। चलिए आप बताइए च की आवाज किन दो लेटर से मिलकर बनती है, लेटर सी और लेटर एच, बिल्कुल ठीक। चलिए अब मिलकर श की आवाज का इस्तेमाल सीखते हैं, श की आवाज लेटर एस और लेटर एच से मिलकर बनती है। अब हम ऐसे अल्फाज सीखेंगे जिनके आखिर में श की आवाज का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इस तस्वीर में देखिए ये क्या है, यह है एक डिश, किसी भी प्लेट नुमा चपटे बर्तन को डिश कहा जाता है। इस तस्वीर में क्या बना है, डिश। अब आप गौर से सुनकर बताइए डिश के लफ्ज के आखिर में क्या आवाज है, डिश, यह है श की आवाज, बिल्कुल सही। और ये आवाज किन दो लेटर से मिलकर बनती है, लेटर एस और लेटर एच से, बिल्कुल सही। अब इस तस्वीर में देखिए ये क्या है, यह है एक फिश यानी मछली। अब आप गौर से सुनकर बताइए फिश के लफ्ज के आखिर में क्या आवाज है, फिश, यह है श की आवाज, बिल्कुल सही। और ये आवाज किन दो लेटर से मिलकर बनती है, लेटर एस और लेटर एच से, बिल्कुल सही। तो पहली तस्वीर में क्या बना है, डिश, और दूसरी तस्वीर में फिश, बिल्कुल सही। तो ये थी श की आवाज की पहचान और अल्फाज के आखिर में इसका इस्तेमाल। लेटर टी और लेटर एच जब एक साथ लिखा जाता है तो ये दोनों लेटर्स मिलकर एक आवाज पैदा करते हैं जो कि है फ की आवाज, ये हल्की आवाज कहलाई जाती है।
लेटर टी और एच मिलकर एक भारी आवाज भी पैदा कर सकते हैं जो है द की आवाज। इस वीडियो में हम लेटर्स टी और एच से मिलकर बनने वाली हल्की आवाज का इस्तेमाल सीखेंगे और ऐसी चीजों की पहचान सीखेंगे जिनके नामों के आखिर में इस आवाज का इस्तेमाल किया जाता है। तो लेटर टी और एच मिलकर जो हल्की आवाज पैदा करते हैं वो क्या है? की आवाज। बिल्कुल सही। इस तस्वीर में क्या बना है? यह है क्लॉथ यानी कपड़ा, क्लॉथ। अब आप गौर से सुनकर बताइए क्लॉथ के लफ्ज के आखिर में क्या आवाज है? क्लॉथ। यह है स की आवाज जो कि लेटर टी और एच से मिलकर बनती है और यह आवाज क्या कहलाई जाती है? लेटर टी और एच की हल्की आवाज। अब इस तस्वीर में देखिए, इस तस्वीर का इशारा है लफ्ज बाथ की तरफ। बाथ का मतलब नहाना। अब आप गौर से सुनकर बताइए बाथ के लफ्ज के आखिर में क्या आवाज है? बाथ। यह है की आवाज। बिल्कुल सही। और यह आवाज किन दो लेटर से मिलकर बनती है? लेटर टी और लेटर एच से। तो पहला लफ्ज क्या था? क्लॉथ यानी कपड़ा और दूसरा लफ्ज क्या है? बाथ यानी नहाना। तो ये थी लेटर टी और एच से मिलकर बनने वाली हल्की आवाज की पहचान और इसका इस्तेमाल। इस वीडियो में आपने ऐसी चीजों की पहचान सीखी कि जिनके नामों के आखिर में च, श या थ की आवाजों का इस्तेमाल किया जाता है।